हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज़ ऑनलाइन। मैं मोहम्मद इकबाल खान। आज हरिनबाड़ी लेन कोलकाता में ईद के मौके पर एक कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कोलकाता एकता नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से किया गया, जिसके कन्वेनर जनाब इखलाक अहमद एक्स काउंसिलर 43 वार्ड हैं। ये प्रोग्राम इस इदारे की पहली इफ्तिताही प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए सैकड़ों ज़रूरतमंदों में कपड़े तकसीम की गई। इस मौके पे मौजूद रहे जनाब इखलाक अहमद साहब, काउंसिलर समीमा मोहतरमा रेहाना खातून, इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल नेरेडी और दीगर मौजूद हस्तियाँ। तो आइए देखते हैं इसकी तस्वीरी झलकियाँ और बात करते हैं इस बारे में। ईद के ईद की मुबारकबाद सभी को सबसे पहले मैं दे रही हूँ। इखलाक भाई को मुबारकबाद देती हूँ, उनकी तमाम जो टीम है, तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोगों ने ये चीज को महसूस किया कि भाई आज हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनको एक नया कपड़ा अगर इंतजाम नहीं होता, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको महसूस करके आपने जो ये इंतजाम किया है, इसके लिए मखसूस तौर पर आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे और दुनिया में जितना भी अफरी अफरा तफरी है अल्लाह सबको बेहतर से बेहतर करे, ताकि हम लोग आइंदा साल में और भी बेहतर तरीके से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सके। इखलाक भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहिन भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हीं लोगों के हाथे आज समझिए नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर सोसाइटी का हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करा है, ये पहला प्रोग्राम है और आप लोगों का से बहुत अच्छा रहा कि जरूरतमंदों को ईद का त्यौहार सामने था, इसलिए ईद का नाम लिया जा रहा है। इसलिए ईद सिर्फ अपने खाने और अपने अच्छे पहनने का नाम ईद नहीं है। ईद का मकसद यह है कि हम खुद भी अच्छा खाएं और दूसरों को भी खाने का अच्छा बंदोबस्त करें, उनके पहनने का बंदोबस्त करें। इसी नजरिए को रखते हुए हम लोगों ने ये कपड़ा चार किस्म का, लुंगी साड़ी सूट और कुर्ता, लेडीज कुर्ता और लेडीज जेंट्स कुर्ता, ये चार किस्म का कपड़ा हम लोगों ने रखा और जरूरतमंदों को दिया। बड़ा खुशी हुआ कि हम लोग पहला काम किसी के टाउन के लिए और खुशी को अपनी खुशी में शामिल करने के लिए ये काम हम लोग। यस गुड। चाहिए ये प्रोग्राम अभी जो बना आज नया, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज नया एक हम लोगों ने वो रखा है, मतलब अदारा कायम किया है, उसका नाम है सेंट्रल कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट। वो रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें गोपाल कुमार रेड्डी भाई हमारे आए, मैं उनका सह दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले इखलाक भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमको इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इखलाक भाई को हमेशा हम अपने बड़े भाई के नज़र से देखते हैं और इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनका बहुत इज्जत करते हैं और ये हमेशा सामाजिक कार्य में हमेशा जरूरतमंद को बगल में खड़े होने की हमेशा चेष्टा करते हैं। ये ईद के पहले भी प्रोग्राम करते हैं गरीबों को किंतु कपड़ा बांटने का, जरूरतमंदों को कपड़ा बांटने का, और हमेशा ये चेष्टा करते हैं कि समाज में जो भी जरूरतमंद हैं उसके किंतु बगल में खड़े हों। और हम तहे दिल से इखलाक भाई को नमस्कार करते हैं। अच्छा, इस ईद के पावन अवसर में आप देशवादी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, देश के लोगों को? हम लोग तो दिल से यही सबको बोलेंगे कि अपने लोग का दो दिन बाद में जो ईद का पर्व आने वाला है, ये सब खुश होके मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सब मिलके इस पर्व को भाई के जैसे सबको निभाए और सबको खुश करके मिलजुल के इसको आगे बढ़ाए।